आप लोग कुछ नहीं गाया? हाँ गाया। हाँ तो बताओ क्या खाया आपने आज? नहीं आंसर? डोसा, इडली, इडली डोसा। हाँ इडली और डोसा खाया। दूध पिया सबने? दूध जी हाँ। दूध नहीं पिया? जी हाँ दूध भी पिया। हाँ तो आप जी हाँ। पेट भर गया सबका? पेट भर गया? हाँ जी हाँ। तो ठीक है हम पढ़ना शुरू करेंगे। खाया आपने भी खाया। तो बताओ क्या पढ़ेंगे हम? हैड फूड। वही मैंने पूछा आप लोग खाना खाया या नहीं। मैं भी खाया, मैं खाना खाकर ही स्कूल में आया। ओके खाने खाने के बाद ही आई मैंने स्कूल में। ओके तो सबने खाना गया, सब पढ़ने के लिए तैयार होकर बैठा है ना। तो हम पढ़ेंगे। तो सबने होमवर्क किया या नहीं? होमवर्क किया सबने? जवाब दो। क्या था आपका होमवर्क? मैंने क्या होमवर्क दिया था आपको? एक ही मात्र वर्ड। एक ही मात्र वर्ड कंप्लीट किया सबने? हाँ, हमने लास्ट क्लास में एक ही मात्रा कंप्लीट किया। उसके बाद हमने आई की मात्रा स्टार्टेड नहीं नहीं आके आपने नहीं किया तो एक ही मात्रा हमने जी नहीं। ठीक है ठीक है। तो बताओ आइए पदार्थ बताओ क्या क्या पढ़ा हमने एक ही मात्रा से? कौन कौन से वर्ड सीखा हमने? केला, सब मिलकर पढ़ रही है। शेर, वन मिनट। ओके आई विल गिव द चांस टू ऑल, डोंट से टुगेदर आई कांट हियर। ओके सो कौन बताएगा पहले? नजिया बताओ। नजिया पढ़ो, अपने किताब देखकर पढ़ो। आपके पास एक किताब है ना, वो किताब देखकर पढ़ो। नोटबुक में लिखा आपने? हाँ तो नोटबुक देखकर पढ़ो। सेब, एप्पल, पेड़, ट्री, केला, बनाना, शेर, लायन, मेज, टेबल, बेटा, सन, चमेली, जैस्मिन, जलेबी। वहां तक आपने पढ़ा तो हमने एक ही मात्रा कंप्लीट किया है। अब डैनियल पढ़ो। डैनियल पढ़ो, रीड द वर्ड्स विच वी लर्न। शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। ओके कौन कौन सा वर्ड पढ़ा हमने एक ही मात्रा से, जरा पढ़ो। केला, केला क्या है? केला डैनियल आई कैन हियर यू। क्या है केला? मीन्स मतलब क्या है केले का? केला पेट, शेर। ओ किताब देखकर पढ़ो, आपके पास किताब है ना, नोटबुक। डू यू हैव नोटबुक? यू कैन रीड फ्रॉम योर नोटबुक। आपने लिखा नोटबुक में 5 times? एम आई ऑडिबल? Can you hear me? जवाब दो। Yes, ma'am. आपके पास किताब है तो वो देखकर पढ़ो, किताब में देखकर पढ़ो। आपने लिखा नोटबुक में? Did you write in your notebook? Yes or no? Yes. तो देखो, दिखाओ मुझे कहाँ लिखा आप। Show your notebook. आपके पास नोटबुक नहीं है? No, ma'am. Why? Are you copying these all things? I am my auntie's house. Auntie's house. इसलिए आपके पास नोटबुक नहीं है। तो ठीक है, then याद करके बताओ। You can say
You did you remember the words? Which word we learned? Share pada. Apple. Apple ka Hindi word kya hai? Kya pada apple ke liye hum? ठीक है. जैस्मिन फ्लावर का हिंदी क्या पढ़ा हमने? जैस्मिन. लिसन लिसन, इफ यू डोंट हैव बुक द नेक्स्ट क्लास यू हैव टू शो टू मी. ओके, कंप्लीट इट एंड शो टू मी. नाउ यू लिसन, नेवा विल रीड. नेवा पढ़ो. नेवा. सेब, एप्पल, पेट, ट्री, केला, बनाना, शेर, लायन, मेज, टेबल, बेटा, सन, चमेली, जैस्मिन, जलेबी, जिलेबी. बेटा, सन, चमेली, जैस्मिन. वेरी गुड नेवा. नाउ अन्ना रोज. पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो. अन्ना रोज. सेब, एप्पल, पेट, ट्री, केला, बनाना, शेर, फ्लायर, चमेली, जैस्मिन, बेटा, सन, जलेबी, जिलेबी, वेरी गुड. दोस आर रीडिंग वेल, दे विल गेट द मार्क ऑल्सो. ओके, सो एवरी डे यू शुड बी रेडी विथ योर नोटबुक, टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक. ओके, नाउ आनंद पद्मनाभन आप पढ़ो. जल्दी जल्दी देख कर पढ़ो. सेब, एप्पल, शेर, केला, बनाना, जलेबी, जिलेबी, चमेली, जास्मिन, केला, मेज, मेज, टेबल, टेबल. ओके, वेरी गुड. अब दक्षा रदीश पढ़ो. दक्षा, दक्षा रदीश. सेब, एप्पल, पेट, ट्री, केला, बनाना. ठीक है, पढ़ो. शेर, लायन, लायन, और चमेली मींस जैस्मिन, जैस्मिन, जिलेबी जिलेबी, जलेबी, जिलेबी, मेज मींस टेबल, पेड मींस पेट है. पेट का मीन्स, पेड मीन्स, बेटा, पेड मीन्स ट्री, बेटा वो बेटा है ना, भापे एक ही मात्रा था और आ जोड़ने से बना बेटा, सन, बेटा, सन. वेरी गुड. अब एंटोनियो थॉमस, एंटोनियो थॉमस पढ़ो. कंप्लीटेड. एंटोनियो, एंटोनियो, कैन यू हियर मी? जल्दी पढ़ो. लायन, सेब, एप्पल, बेड, ट्री, चमेली, जैस्मिन, जलेबी, जिलेबी, बेटा, सन, केला, बनाना, मेज, टेबल. Okay, very good. So every day, any five will get the chance to read. So everybody should be ready for reading. Okay, and copy it, everything in your notebook. When I'm asking, you have to open your notebook and read. If I ask any question without looking, you have to give the answer. Okay. So Rayet, what is the word for jasmine? Jasmine ka Hindi word humne kya pada? Jasmine. Kya hai jasmine? Hindi word kya sikha humne? एक फूल है ना, फूल का नाम. जैस्मिन फ्लावर का हिंदी क्या है? आई कैन हियर यू. ओके, वन मिनट. बताओ. चमेली, वेरी गुड. नाउ अयान, अनियन, अयान बताओ व्हाट इज द वर्ड फॉर सन. सन का हिंदी वर्ड क्या है? सन, बेटा. बेटा, वेरी गुड. दिया कर्मल बताओ व्हाट इज द वर्ड फॉर ट्री. ट्री का हिंदी हमने क्या पढ़ा? अनम्यूट करके बताओ. अनम्यूट. ट्री, ट्री. यस मैम. क्या है ट्री का हिंदी वर्ड? पेड़. पेड़, वेरी गुड. एल्ड्रिना बताओ एप्पल.
एप्पल का हिंदी वर्ड क्या है? व्हाट वी लर्न फॉर एप्पल? अनम्यूट. क्या है एप्पल का वर्ड? सेब. ओके, तो वर्कबुक में मैंने कुछ काम दिया था, वो भी आप कंप्लीट किया. एवलिन, एवलिन आपने वर्कबुक में क्या क्या पढ़ा? हम कुछ सेंटेंस पढ़ा वर्कबुक में, याद है आपको? गो नाउ, डोंट ओपन. क्या कहेंगे इसको, डोंट ओपन को हिंदी में कैसे बताएंगे हम? व्हाट वी लर्न? किताब दे दो. किताब दे दो, व्हाट इज मीनिंग इंग्लिश में, क्या है इसका अर्थ? किताब दे दो, दे दो मीन्स व्हाट वी लर्न? One minute. क्या है किताब दे दो means? Anybody can say? किताब दे दो. बुक. वेरी गुड, वेरी गुड. तो मैंने ओके ओके मैंने क्या पूछा? रुद्राक्ष बताओ, गो नाउ हाउ वी विल से इन हिंदी? वी लर्न दैट नो इन द लास्ट क्लास. अब जाओ, अब जाओ. व्हाट वी लर्न? अब जाओ. वेरी गुड, अब जाओ. देन वी लर्न विच वन? डोंट ओपन. इसको हम हिंदी में कैसे खोलो? ओपन द डोर को कैसे बताएंगे हिंदी में? ओपन द डोर कैसे बताएंगे? लिसन द क्वेश्चन. ओपन द डोर, खोलो. खोलना मीन्स आई टोल्ड यू, खोलना मीन्स टू ओपन. मत खोलो मीन्स डोंट ओपन. तो दरवाजा खोलो, ओपन द डोर. किताब खोलो मीन्स क्या है? तो किताब खोलो, व्हाट इज मीनिंग? ओपन द बुक. ओके, डोंट ओपन योर आईज. हाउ वी विल से? डोंट ओपन खोलो, घे मत खोलो, आंखे मत खोलो. गो देयर, गो देयर कैसे बताएंगे? गो देयर, वहां वहां जाओ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. मेनी ऑफ यू स्टडीड, सो दैट मच वी लर्न नाउ इन द लास्ट क्लास. यहाँ टिल देयर ऑलरेडी वी स्टडीड. पेज नंबर कौन सा पेज? Yes. अब जाओ, मत खोलो. वापस देना, वापस देना मींस क्या है? वापस देना. व्हाट वी लर्न? फीडबैक. तो आई एम आई टोल्ड इन सम सेंटेंस, वो पेंसिल मुझे दे दो, वापस दे दो. मेरा पेंसिल मुझे वापस दे दो. वो किताब मुझे वापस दे दो. व्हाट इज मीनिंग? प्लीज गिव बैक माय बुक. वो पेंसिल मुझे वापस दे दो. वो किताब मुझे वापस दे दो. वापस देना, वापस दीजिए. टू विद एल्डर्स व्हेन वी विल स्पीक यू कैन यूज, वो किताब मुझे वापस दीजिए. प्लीज गिव मी द बुक बैक. दीजिए. ओके, दैट मच वी लर्न. तुम जाओ ऑल्सो वी स्टडी. तुम जाओ वी लर्न. पेज पेज नंबर 16. आप जाइए, तुम जाओ. स्टडीड? नो नो. द नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 16 में लिखा है तुम जाओ. विथ एल्डर्स व्हेन वी विल स्पीक वी कैन नॉट यूज तुम. रेयरली वी आर यूजिंग विथ इक्वल एज एंड ऑल यू कैन यूज तुम एंड ऑल, बट व्हेन वी आर टॉकिंग विथ अवर एल्डर्स यू शुड यूज ओनली आप. आप जाइए, प्लीज गो. आप जाइए, आप जा सकते हैं, या आप जाइए, आप जा सकते हैं, या आप जाइए. आप, वी आर यूजिंग ऑलवेज आप, नॉट तुम. ओके, वहां जाओ, दैट वी लर्न नाउ. वहां जाओ मींस क्या है? गो देयर. कक्षा में जाओ. कक्षा क्या है? कक्षा कक्षा मीन्स क्या है? क्लास. क्लास. कक्षा में जाओ मीन्स गो टू द क्लास. तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ती है? यू आर स्टडीइंग इन विच क्लास? सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं ना आप लोग, तो कैसे बताएंगे आप? पढ़ती हूँ. आई एम स्टडीइंग इन सेकेंड स्टैंडर्ड. आई विल टीच यू सेकेंड स्टैंडर्ड कैसे कहेंगे. दूसरी कक्षा कैसे बताएंगे? दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ. लिसन, लिसन टू मी. आई विल टीच यू आफ्टर यू कैन से. आई विल आस्क यू वन बाय वन. मैम दूसरी कक्षा में
पढ़ती हूँ. मन्ना हाउ यू विल से आई एम स्टडिंग इन सेकेंड स्टैंडर्ड. मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ. मन्ना अनम्यूट करो. अनम्यूट. ओके बताओ. मैं दूसरी यू हैव ऑडियो प्रॉब्लम. आई कांट हियर यू. सो रियान रियान पढ़ो. रियान पढ़ो. मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ. मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ. हाँ दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ इसका मतलब क्या है. आई एम स्टडिंग इन सेकेंड स्टैंडर्ड. पढ़ता हूँ. बॉयज कैन से पढ़ता हूँ एंड गर्ल्स कैन से पढ़ती हूँ. आई एम स्टडिंग इन सेकेंड स्टैंडर्ड. द गर्ल्स विल से. जुआना कैन यू से आफ्टर मी. अनम्यूट करो. जुआना पढ़ो. मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ. हाँ पढ़ना मीन्स क्या है. पढ़ना मीन्स टू स्टडी. आप लोग पढ़ते हैं ना. पढ़ता पढ़ती. हाँ गर्ल्स कैन से पढ़ती हूँ. मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ. मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ. हाँ नाउ अन्ना रोज कैन से मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ. हाँ वेरी गुड. दूसरी कक्षा मीन्स क्या है. सेकंड स्टैंडर्ड. ओके दूसरी कक्षा में. आयरन पढ़ो. आयरन बताओ. मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ. एफ्रॉन से. एफ्रॉन. मैं दूसरी कक्षा में करेक्ट. वेरी गुड. पढ़ता हूँ. बॉयज कैन से पढ़ता हूँ. गर्ल्स कैन से पढ़ती हूँ. हाँ आयरिन बताओ आप कौन सी कक्षा में. दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ. वेरी गुड. मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ. इफ एनीबडी इज आस्किंग आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं. हाउ यू विल से द आंसर. बॉयज कैन से. मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ. बॉयज कैन से. व्हाट बॉयज कैन से बताओ. एडवर्ब कैसे बताएंगे आप. मैं दूसरी क्लास का हिंदी क्या है. दूसरी कक्षा में पढ़ता है. हाँ सब बॉयज. ऑल बॉयज कैन से मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ. एवलिन बताओ. मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ. ओके तो कक्षा में. कक्षा मीन्स क्या है. कक्षा क्लास. कक्षा में जाओ मीन्स क्या है. श्री पार्वती बताओ आप कौन सी कक्षा में पढ़ती है. मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ. वेरी गुड. ज्वेल जोमी बताओ आप कौन सी कक्षा में पढ़ती है. बताओ. मैं कुर्सी कक्षा में
पढ़ती हूँ. वेरी गुड. ओके सो एवरीबॉडी हैव टू स्टडी दैट मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ. बॉयज कैन से पढ़ता हूँ. क्लियर? इट इज देयर सेल्फ इंट्रोडक्शन. अपना परिचय चैप्टर है. दैट टाइम आई विल आस्क, वी विल रिपीट दिस. ओके द नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 17 में वी लर्न मत मीन्स क्या है. मत मीन्स डोंट. मत मीन्स क्या है? डोंट. सो हियर इट इज, देखो मत दौड़ो. आप मत दौड़िए. मत दौड़ो मीन्स डोंट रन. मत दौड़ो मीन्स क्या है? डोंट रन. डू यू लाइक टू रन? आपको पसंद है दौड़ना? क्या होगा आप दौड़ने से? क्या व्हाट विल हैपन इफ यू रन फास्ट? नथिंग विल हैपन. What will happen if you are running? कैसे क्या हो जाएगा? आप लोग गिर जाएंगे. गिरना means क्या है? You will fall down. Fall down. So मत दौड़ो. Don't run. मत दौड़ो. Page number 17 में है. First क्या है? मत दौड़ो. Don't run. The next मत बोलो. Don't speak or don't tell. बोलना. बोलना means क्या है? I'm speaking to you now. भोल में आपसे बातें करते हैं, बोलते हैं, बोलती है. तो भोल, बोलना means to speak or tell. तो मत बोलो. Don't speak, don't tell. क्लास के बीच में मत बोलो. क्लास में क्या करेंगे आप लोग? You have to listen the class. So मत बोल, बीच में मत बोलो. Don't speak in between. आपका चांस मिले, आपको चांस मिलेगा, that time you can speak. Okay, मत बोलो. Don't tell or don't speak. और द नेक्स्ट मत भूलो. व्हाट ऑल वी लर्न. हमें याद करना है. याद करना मीन्स क्या है? याद करो. भूलो. रिमेम्बर. वी लर्न याद करो मीन्स रिमेम्बर. तो मत भूलो. डोंट फॉरगेट. याद करना है हमें. व्हाट ऑल वी लर्न. वी हैव टू रिमेम्बर. सो मत भूलो. डोंट फॉरगेट. भूलना मीन्स ये याद का ऑपोजिट है भूलना. भूलना मीन्स टू फॉरगेट. भूलना. मत भूलो मीन्स डोंट फॉरगेट. क्या है? मत बोलो. डोंट फॉरगेट. अब पढ़ो. मत दौड़ो. मत दौड़ो. मत धोलो. मत बोलो. मत भूलो. भूलो. मत भूलो. भूलना मीन्स क्या है? भूलना मीन्स टू फॉरगेट. भूलना. ओके. दौड़ना मीन्स क्या है? दौड़ना. दौड़ना मीन्स टू रन. ओके. बोलना मीन्स क्या है? बोलना. टू स्पीक. टेल और स्पीक. ओके. तो मत दौड़ो. बोलो. मत भूलो. जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो मत भूलना. डोंट फॉरगेट. ओके. व्हाट ऑल वी आर स्टडीइंग यू शुड कीप इट इन योर माइंड. ओके. डोंट फॉरगेट दैट. याद करके रखना है हमको. तो मत दौड़ो. मत भूलो. मत भूलो. मत दौड़ो. मत भूलो. भूलो. मत भूलो. मन्ना व्हाट इट्स मीनिंग? मत दौड़ो. मत दौड़ो क्या है? डोंट रन. वेरी गुड. मत भूलो. एंजेला व्हाट इज द मीनिंग? मत बोलो. भूलना. मत भूलिए. डोंट स्पीक. रितिका मत भूलो. भूलो. व्हाट इज मीनिंग? डोंट फॉरगेट. वेरी गुड. डिड यू सी दैट? पेज नंबर 17 में है ये छोटे छोटे सेंटेंस. इसे हम और भी सेंटेंस बनाएंगे. जो कुछ हम पढ़ते हैं वो मत भूलना चाहिए. या आप इधर उधर मत दौड़ो. दौड़ने से क्या हो जाएगा? आप गिर जाएंगे. तो मत दौड़ो. मत दौड़ना. दौड़ने से हम गिर जाएंगे, इसलिए मत दौड़ना चाहिए. और बोलना क्लास टाइम में, इसके बीच में मत बोलो. टीचर्स चांस देगा, उस समय आपको बोलना पड़ेगा. ऐसे सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस हम पढ़ते हैं. अब बाद में हम बड़े बड़े सेंटेंस बनाकर आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग द स्मॉल स्मॉल सेंटेंस. यू हैव टू लर्न दैट. क्लियर? आपको हिंदी में बोलना है ना?
डू यू लाइक टू स्पीक इन हिंदी? हाँ, तो ये छोटे छोटे सेंटेंस से बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे हम. तो आपने पूछा मम्मी से वो दरवाजा जरा गोल दीजिए, मेरे लिए गिलास पानी लाइए, सब आप करना है, घर में प्रैक्टिस करना है. आर यू डूइंग? जी हाँ. तो आई विल गिव द मार्क ऑल्सो. आई विल चेक यू आर स्पीकिंग और नॉट हिंदी. इफ यू आर स्पीकिंग यू विल गेट द मार्क फॉर स्पीकिंग ऑल्सो. Those are listening, they will get, they can speak. So you have to listen this also. So what we learned today, tum jaavo, page number 16 and 17. The next class I will ask, you have to learn. Tum jaavo, aap jaiye. What is meaning? You go. You go. Waham jaavo, waham jaavo. Go there. Okay. Kaksha mein jaavo, kaksha mein jaavo. Go to the class. Okay. Hindi banna hai, English nahi. Okay. Hindi sentence पढ़ना है. तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कौन बताए? आदित्य बताओ. व्हाट इज आंसर? व्हाट वी लर्न मैम? या वेरी गुड मैम. दूसरी कक्षा में आदित्य बताओ. मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ. आदित्य कैन से? मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ. ओके. नेवा कैन से? मैम नेवा बताओ. मैम पढ़ती हूँ. वेरी गुड. अगम्या बताओ, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती है? अगम्या कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैम दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ. अगम्या मैम जोर से बताओ. मैम दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ. वेरी गुड. योर साउंड इज वेरी लेस, दैट्स व्हाई. हाँ पढ़ती हूँ. वेरी गुड. सो द नेक्स्ट क्लास आल्सो आई विल आस्क. ओके रिमेम्बर दिस. मत दौड़ो मींस क्या पढ़ा? मत दौड़ो. डोंट रन. बोलो मत बोलो. डोंट स्पीक और डोंट रन. मत भूलो भूलो. आपको हिंदी में बताना है. अल्ड्रीना बताओ. डोंट रन क्या पढ़ा हमने? डोंट रन मत दौड़ो. दौड़ो क्या है? मत दौड़ो. मत दौड़ो पढ़ो. रिपीट. मत दौड़ो. मत दौड़ो. मत दौड़ो. मत दौड़ो. डोंट टेल का हिंदी. मत बोलो. मत बोलो. मत बोलो. मत बोलो. देन डोंट फॉरगेट. मत भूलो. मत भूलो. मत भूलो. मत भूलो. ओके चिल्ड्रन. So read it. मत दौड़ो. मत बोलो. मत भूलो. The next class also we will repeat. Clear? Okay. तो अब हम speak बोलने के लिए पढ़ा. अब हम लिखने के लिए कुछ पढ़ेंगे. We are doing these two things. I'm making you to speak little and I'm making you to राइट ऑल्सो. सो वी कम्प्लीटेड एक ही मात्रा. आपने पढ़ा एक ही मात्रा. नाउ नेक्स्ट कौन सी मात्रा आएगा? याद है? याद करके बताओ. आई की मात्रा. ए के बाद आई, लेटर आई. तो आई की मात्रा हम आज पढ़ने जा रहे हैं. तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आई की मात्रा लिखेंगे. ओके. नो नीड टू टेक नाउ रफ बुक. इट शुड बी रेडी नाउ विथ यू. सो लिसन. Now we are going to study I की मात्रा. A completed. A मात्रा हम कहाँ लिखा? A की मात्रा हमने कहाँ लिखा? A की मात्रा ए है. A की मात्रा A letter के ऊपर ही लिखते हैं. जैसे के, मे, ले, से, ने, वैसे हमने पढ़ा. ए है A की मात्रा. अब हम कौन सी मात्रा पढ़ने जा रही है? नो वेट वेट. आई. ये है आई. क्या है डिफरेंस? एक उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन खींचने से आई आई बनेंगे. इसका उच्चारण कैसे बनेंगे? आई की मात्रा आई. ओके. अब देखो ए आई की मात्रा ऐसे ए की तरह दो ऐसे लिखेंगे. हम दो लाइन खींचेंगे ऊपर. आई क्या है? आई. अब ये हम लेटर के साथ जोड़ेंगे तो खा कापे आई मात्रा जोड़ने से ये भी वो लेटर के ऊपर
kai k kai okay aise likhenge ka plus i ka pe i jodne se kai kai ah aur pa pe i jodne se pa ke sath i jodne se kaise banenge pai ha aise likhenge hum pai 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 इसको आई नहीं ए ए ए और धा अब ये लेटर धा धा पे आई जोड़ने से धाई कैसे लिखेंगे धा लिखकर उसके ऊपर ही ऐसे आई की मात्रा जोड़ेंगे धाई धैला धैला हम पढ़ेंगे बाद में वर्ड्स धा प्लस धा पे आई धाई खा पे आई पाई खा पे आई खाई और ना ना लेटर ना ना पे आई जोड़ने से नहीं 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 क्लियर अंडरस्टूड चिल्ड्रन तो ए ए एंड आई नॉट सेम ए मात्रा ऐसे लिखेंगे और आई की मात्रा पे दो दो ए मात्रा ऐसे दो साइड से बने हैं ये कैन नॉट सी द बोर्ड हु कैन नॉट सी द बोर्ड यू कैन सी द बोर्ड यस ओके देखो तो लिखो पहले ए आई और आई की मात्रा कितने बार लिखेंगे तीन बार आई आई की मात्रा उसके बाद ये खा के साथ खा पे आई कई वो भी तीन बार कई खा पे आई जोड़ने से कई धा पे आई जोड़ने से धाई ऐसे लिखो ना पे आई जोड़ने से नई लिखो लिखना शुरू करो और ये कौन सा अक्षर है भा लेटर भा इसी प्रकार किसी भी व्यंजनाक्षरों के साथ हम आई की मात्रा जोड़ेंगे तो उसको ऐसे बाय बाय अंदर कुन्ने क्लीज ऑन टू सिंग कौन गीत गा रही है पार्वती आपको गीत गाना है राइट राइट हेलो क्या है राइट हाँ यू कैन राइट राइट दिस स्टार्ट फ्रॉम हियर आई आई की मात्रा आई आई की मात्रा रीड एंड राइट का पे आई कई रफ बुक में क्लास टाइम में कौन सी बुक यूज करेंगे आप रफ बुक में लिखो कई कई आई की मात्रा का पे आई जोड़ने से बना कई पापे आई पाई एडवेल आपने शुरू किया लिखना पापे आई की मात्रा बना कई आई पापे आई का आई की मात्रा बना कई पाई प्लस आई इक्वल वेरी गुड दोस आर रीडिंग और शुड रीड एंड राइट कहाँ पे आई की मात्रा खई कहाँ पे आई की मात्रा खई इक्वल टू यहाँ पे आई की मात्रा है मात्रा बना आई की मात्रा बना प्लस इक्वल पे आई की मात्रा बना राइट इट इन योर रफ बुक हु इज आस्किंग मैम राइट राइट यस इट्स फॉर यू यू शुड राइट नहीं नापे आई मात्रा नोटबुक नहीं है रफ बुक में दोस्तों डोंट हैव नोट रफ बुक दे कैन राइट इट इन योर नोटबुक्स बैक साइड ओके इवान टॉम
Those who completed, I will call you for reading. Who completed? Elvin. Elvin, please read. Identify the letter, add with that Aiki Matra. Ka, Aiki Matra. Kai. Pa, Aiki Matra. Kai. Tra. Dha. Da. प्लस दा पे आई की मात्रा जोड़ने से दही ऐसे पढ़ो दही ना पे आई की मात्रा ना पे आई की मात्रा नहीं वेरी गुड ओके कॉपी करो जल्दी जल्दी कॉपी करो ओके Okay, very good. So all should have completed this. I will send the notes also to you. This today's notes, only this we learn how to add Aiki Matra. And listen, children, the next class I will ask that what we learn from workbook. Okay, that also you have to study. Let me ask this Feba and Sia present. Feba. Did she present? Ivan Tom present today. Ivan Tom. Present. Iron present. I'm asking about Ivan Tom. Present or not? Aldrin Joseph. Okay. Completed, children. I will send this notes. Don't worry, I will send this notes. You can copy it in your notebook also. And those who did not complete it, they can write and study in the workbook also 5 times. Okay. And listen, children, what I taught you today from the workbook. Workbook, you have to learn that sentence what we learn. Mat dhaudo, mat bholo, mat bhulo. Kaksha mein jaavo. Aur main dusri, kaksha mein. मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ ओके ओके द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस वर्ड्स आई की मात्रा वर्ड्स आई विल टीच यू एंड इफ यू आर नॉट कंप्लीटेड पेज नंबर 22 टिल 23 यू कैन कंप्लीट इन द वर्क बुक्स वर्क ऑल्सो ओके टुडे यू कैन डू दैट होमवर्क ओके बाय धन्यवाद